बीबी रोल, कैमरा ऑन है। नहीं करना यार कोई रोल बोल। अरे निकाल दो अपनी भड़ास, उठा दो अपनी आवाज। अबे क्या भड़ास निकाले, क्या आवाज उठाए। बुड्ढे साठ सालों से तो यही करते हैं, भड़ास तो निकाल लेते। क्या किया साठ सालों से, कह रहे निकलो भड़ास। आज बग बैनर्जी बहुत लगते था। अरे एक बात बताओ, हमारी क्या कोई रिस्पेक्ट नहीं है? सत्तर साल से गलतियां किसने निकाली, आवाज किसने उठाया 70 साल के बारे में? भक्त बनर्जी जैसे कार्यकर्ता ने निकाला है। कांग्रेस का गेम किसने बजाया? भक्त बनर्जी जैसे सेवक ने 300 का आंकड़ा किसने पार करवाया? हमारे जैसे कार्यकर्ता ने। अरे 8 साल बाद हमें लगा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, हम आराम करेंगे, और तब हमें डस्टबिन में डाल दे, हमें फ्रिंज बोल दिया। हमारे भक्ति का साथ इतना बड़ा विश्वासघात, हमारी आस्था के साथ मजाक हुआ है। अरे अरे दो चार फुटकर देश ने खड़ी कोटी क्या सुना दी है, हमारे नूपुर दीदी को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड, और हमारे जिंदल भैया सीधा एक्सपेल, खत्म, टाटा बाय बाय। ये पप्पू वाले कांड किए पार्टी ने हमारे। क्या क्या क्या, क्या? क्या गलत बोला था नूपुर दीदी ना, ये सब तो व्हाट्सएप पे रोज चलता रहता है, इसमें क्या गलत है? अरे ठीक है, थोड़ा बहुत गलत बोल दिया, थोड़ा अपमान हो भी गया, अरे तो फांसी पे चढ़ा दोगे क्या? हमारा मजाक नहीं उड़ता है, हमारा अपमान नहीं होता है, हम लगाए फांसी सबको। अरे अगर ऐसे ही छटाई करते रहोगे ना, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बाकी रहेगा, कोई नहीं बाकी रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, भंग में नदी भी चले जाएगा, मैं भी चले जाऊंगा नित्यानंद जी के पास, कैलाशा मौन व्रत रख लूंगा मैं। अरे वो टाइम था, संबित पात्रा जी मौलाना टाइप लोगों को टाइट करके रखते थे, पार्टी उनके साथ खड़ी रहती थी, आज पार्टी ने ही पार्टी बदल दी। अरे अगर गल्फ देशों से इतना प्यार है, इतना पसंद है, तो गॉट ओमान गॉट कुवैत। यहाँ भक्त बनर्जी पेट काट के है, अखंड भारत के लिए निर्माण करने के लिए लगा हुआ है, और तुम लोग अपना पेट मोटा कर रहे हो, किसी के सामने झुक जाते हो। बहुत दिनों से बीबी चुप रहा है, लेकिन आप ना रहेंगे? अरे अपने वफादारों को पार्टी से बाहर, और वहां हार्दिक पटेल और सारे कांग्रेसियों को तुम पार्टी में फुल एंट्री दे रहे हो। अरे हम क्या बुढ़बक है? पार्टी के लिए पूरी पूरी जिंदगी दी है, पूरे पूरे संसार के साथ लोहा उठाया, और आज ये 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 हो रहा है। और कतार को चिट्ठी देखो, उमान को चिट्ठी, तुम पता नहीं कहां कहां पाकिस्तान को भी लिख दो ऐसी चिट्ठी है। प्रेम पत्र एडिटर दिखा दिखा दिखा, प्रेम पत्र दिखा जरा, दिखा दिखा, पूरे दुनिया को दिखाए हैं। क्या लिखा है? क्या भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों का आदर करती है, बीजेपी स्ट्रॉन्गली डिनाउंसेस इंसल्ट ऑफ एनी रिलीजियस पर्सनैलिटीज ऑफ एनी रिलीजन। कट्टर लिबरल भाई साहब, बीजेपी किसी भी धर्म या धार्मिक विचारधारा का अपमान के सख्त खिलाफ है। चला दो भाई बुलडोजर हमारे ऊपर, चला दो ना है? ये भी कर दो। ये ट्वीट्स सरकार के रवैये को नहीं दर्शाता है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स का काम है। अबे किसको फ्रिंज बोल रहा है बे? कौन है ये फ्रिंज? ये फ्रिंज वो है अरबों खरबों लोग जो भक्त बनर्जी जैसे हमारे कंधों पे ऊपर तुम्हारी सोच हटता है ना, ये वो फ्रिंज है। ये फ्रिंज वाला अपमान भक्त बनर्जी के लिए सबसे बड़ा अपमान है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान है। जिस विचारधारा पर तुम लोग 300 के ऊपर आंकड़ा ले गए हो, आज वो फ्रिंज हो गए। और सुनो, प्रेम पत्र खत्म नहीं हुआ है। India's constitution gives right to every citizen to practice any religion of his or her choice. अभी तो हमें तो कुछ और बोला है, हमें तो बोला हमारा धर्म खतरे में, हमें तो बोला कन्वर्जन हो रहा है, हमें तो बोला नव जिहाद का गेम प्लान चल रहा है, घर वापसी करवानी है। तुम वो सब झूठ था क्या? इतने दिनों से क्या हमें टोपी बना रहे थे तुम लोग? अबे अगर कांग्रेस की भाषा बोलनी है तो फिर वैसे बोला ना, हमारी क्या जरूरत है? अरे यूएस हमें धर्म के बारे में कुछ बोलता है, यूरोप हमें लिंसिंग के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बोलता है, तो हम ताबड़तोड़ जवाब देते हैं। अरे हमारे जयशंकर जी एकदम टाइट कर देते हैं उन्हें, और वहीं गल्फ के ये दो चार देशों ने कुछ बोल दिया, अरे क्या है? दो दुकानों ने सामान बायकॉट कर दिया तो तुम्हारी फट गई। अरे बायकॉट का तो हम बाप हैं, अरे वो हमारा सामान बायकॉट करेंगे तो हम
उनका एयरलाइन बॉयकॉट कर देंगे, क्या नाम है, ओमान एयर, जॉर्डन एयर, एमिरेट्स, एतिहाद, हैं सबको बॉयकॉट, इंडिया के ऊपर से उड़ने नहीं देंगे, उड़ने नहीं देंगे, दो दिन में देखे एयरलाइन साला ठप हो जाएगा। और अरे हमारे लेबर से पूरा देश चलता है उनका, सबका सबका वीजा कैंसिल, सबको वापस बुलाएंगे, सबको बोलेंगे बिल्ड इन इंडिया, बिल्ड फॉर भारत, है उनका देश खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा, बुर्ज खलीफा यहां बनेगा। बड़े आए हमको डराने वाले, बॉयकॉट करने वाले, अबे बॉयकॉट हमको सिखाओगे? ससुरा ट्रेंड बन गया ये, मानोगे नहीं शायद हमारी बात, लेकिन भक्त बनर्जी सही है इन सब चीजों में, हमको गर्म करके ठंडा कर रहे हो तुम लोग, हैं? अबे गैस में दूध है क्या? जब चाहे आज ऊपर कर दी, जब चाहे सिम पे डाल दिया, है? अरे ज्ञानवापी मामले में हमें लगा कि अब बात आगे बढ़ेगी, है? मामला तूल पकड़ना है, अरे अब तो प्रमाण भी हाथ लग गया था, वीडियो एविडेंस है, कोर्ट में केस है, हम तो छेनी हथौड़ा लेकर तैयार थे खुदाई के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, लेकिन भागवत जी ने किए कराए पर सब पानी फेंक दिया, कहते मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत क्या है, वाह वाह, अब हम अपनी दबी हुई इतिहास के बारे में खोज नहीं कर सकते, उसे पा नहीं सकते, अरे तो क्या खोदे भागवत जी, बता दीजिए किस चीज की खुदाई करें, हैं? मरे आपने के कैसे दिया, तो एक काम करते भागवत जी, काम करते हैं, हम खुदाई करते हैं, हैं? 15 लाख रुपए कहां दफने हैं बताइए भागवत जी, खुदाई करते हैं उसके बारे में, नौकरियां कहां हैं, हैं? महंगाई में हमारे कपड़े क्यों फट रहे हैं, करें खुदाई इसके बारे में, हम भागवत जी का बहुत आदर करते हैं, लेकिन अगर सवाल करने पर हम उतर आए तो अच्छा नहीं होगा, ईट से ईट बच जाएगी भागवत जी, हमने सोचा था कि सारे ये सब मसले सुलट जाए, फिर विकास के बारे में हो ही जाएगी बात, वो तो हो नहीं वाली भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब हमें लगता है हमको याद दिलाना पड़ेगा सरकार को कि उन्हें वोट दिया क्यों था, किसको खुश रखने के लिए, हमको, हम दुनिया के सबसे बड़े वोट बैंक है, हम ईरान, कतार, कुवैत, पाकिस्तान, ईरान को खुश करने के लिए वोट नहीं दिया था आपको, चले उनको खुश करने के लिए सारी लेटर लिख रहे हैं, पहले भागवत जी कहते हैं खुदाई करने की क्या जरूरत है, नूपुर दीदी को फिर ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में बयान में 6 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है, कोई ना कोई तो खेल चल रहा है यहाँ, भक्त बनर्जी समझ गया, ज्ञानवापी का मामला सामने आने से कोई ना कोई रोक रहा है, सब मिले हुए हैं, तेजो महल है, है उसके मामले में भी ऐसे हुआ, क्या हुआ हमारे साथ, है हमने क्या कहा, हमने कहा कमरे खोलो सच सामने आने दो, कोर्ट ने क्या किया हमारे साथ, अपमान किया, कहते डिग्री लेकर आओ, है फिर हमसे बात करना, हाँ हमें तो इतिहास पता ही नहीं है, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो गवान हैं, हैं? अरे इतिहास दिल में होता है, दिल में, दिमाग में नहीं होता है, हमारी आस्था कहती है ताजमहल, तेजो महल है तो है, एंड ऑफ डिबेट, इसमें तथ्य घुसाने की क्या जरूरत है, कल बोलोगे राम सेतु कहां है, उसके बारे में भी कोई तथ्य नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो नहीं था, जब भी हम अपनी प्राचीन सभ्यता को बचाने जाते हैं हमें क्या मिलता है, तमाचा, जोर का तमाचा, कुतुब मीनार के इसमें देखिए क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलती है यहां कोई मंदिर था ही नहीं, कोई मंदिर टूटा ही नहीं था, अरे कैसे बोल सकते हो तुम, अरे हमारे हमको विश्वास है कि वहां मंदिर था, एएसआई के पास क्या है, वो टाइम मशीन है क्या, है उड़ के गए पास्ट में पता लगाने मंदिर था कि नहीं था, हमने सोचा अच्छा चलो कम से कम लाउड स्पीकर उतरेंगे, है बुलडोजर चलेगा, दिल को थोड़ी ठंडक मिलेगी, यहां तो हमारे यहां से लाउड स्पीकर उतार दिया, ये कहां की समानता हुई भाई, ये कहां का इंसाफ, और बुलडोजर तो हमारे रिश्तेदारों के घर पे चल रहे हैं, अरे वोट भी हम आपको दें, मार भी हम खाएं, ये किधर का राज्य है भाई, ठीक है उड़ाओ 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 और मजाक उड़ाओ हमारा, है अच्छी बात है और उड़ाओ, है हमको टेकन फॉर ग्रांटेड कर दो, हमारे ऊपर हंस दो, है लोग भी तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सबने किया था ना वो सम्राट पृथ्वीराज का उद्घाटन, सब गए थे ना प्रीमियर पे, हैं सबने टैक्स फ्री भी कर दिया, हैं अरे तब भी 200 करोड़ की पिक्चर 100 करोड़ कमाने के लिए लंगड़ा रही है, लोग आपकी बात इतना नहीं मानते, 200 रुपए का टिकट नहीं खरीद सकते, औकात दिया है तुम्हारी 200 रुपए का टिकट नहीं खरीदा सकते, तब लोगों को चले सारी बोलने के लिए गल्फ नेशन को, हैं अरे इलेक्शन आने दो, अभी तो लोग टिकट नहीं खरीद रहे हैं, इलेक्शन आने दो आपका टिकट भी कट जाएगा इसी रेट पे अगर चलते रहोगे तो, सम्राट पृथ्वीराज सच में आखिरी हिंदू सम्राट थे, हमारी गलती है कि हमने सोचा कि हिंदू हृदय सम्राट हमारे बीच में है,
लेकिन जो दुश्मन के सामने इतनी आसानी से झुक जाए वो सम्राट का वो बुजदिल है। आज पहली बार भक्त बनर्जी इतना हर्ट फील कर रहा है जैसे हमको किसी ने अनाथ कर दिया हो। अरे हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, सब अपने पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, सबको अपना पैसा दिख रहा है। हमने कभी मांगा पैसा? हमने कभी पद मांगा? सिर्फ और सिर्फ भक्ति दिखाई अपनी। लेकिन नहीं, सबको आसान रास्ता चाहिए है? सब भूल गए अखंड भारत के लिए बलिदान। बलिदान क्या होता है आज पूछो, किसी को मालूम नहीं है। कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, नहीं समझ में आता है। सबको साठ कट चाहिए। अबे ले, साठ कट के चक्कर में साठ सर्किट हो जाएगा सब कुछ। कोई बात नहीं, मैं क्यों चिल्ला रहा हूं। जाओ 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 जाओ, खुश करो गल्फ नेशन को, खुश करो है? बेचो अपना सामान वहां, भेजो भेजो अपने अपने लोगों को वहां, भेजो झाड़ू पोछा करने के लिए वहां गल्फ नेशन में भेजो। रोक दो शिवलिंग की खुदाई भी, रोक दो। क्या जरूरत है खोदने की? इलेक्शन से पहले खोद लेना, फिर तो हम आए हैं खड़े हैं। तब तक के लिए हम फ्रिंज एलिमेंट हैं, हमसे तो सिर्फ वोट करना आता है। काम हो गया, अब नाम लेने से भी शर्मा रहे हो। लेकिन वार्निंग आई है भक्त बनर्जी की, इतनी आसानी से भी ना झुकेंगे हम। ये जो लिबरांडू सिकुलर टाइप काम करने की कोशिश कर रहे हो ना, याद रखना 2009 चुनाव से पहले अडवाणी जी ने भी यही कोशिश की थी। जानते हो ना क्या हुआ था उनके साथ? इतिहास बना दिए थे हम इतिहास। योगी जी हैं हमारे पास, प्रज्ञा जी हैं हमारे पास। ज्यादा करोगे तो ऐसी खुदाई करेंगे, ऐसी खुदाई करेंगे, सत्ता पलट देंगे। जो फ्रिंज बोलने वाले लोग हैं ना, वो खुद अपने आप फ्रिंज बन जाएंगे। माइंड इट, भक्त बनर्जी की वार्निंग है ये। नमस्कार,